हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल दीवान की वर्ड्स। सो है गाइस, कल लखनऊ आया हूँ और आज तैयारी हो रही है शादी की। छोटा भाई पीछे बैठा है और मेरी तबीयत भी सही नहीं है और मैं ये घर का सीन लेता हूँ। मोहता चाय पीने जा रहे हैं। चाय पी ले पूरे। मोहता चाय पी रहे हैं। हलवा हो गया, दाल हलवा हो गई। तो चाय पी चुका हूँ, अब नहाना मंजन भी नहीं किया, बिना नहा चाय पी लिया, सॉरी बिना नहा चाय भी पी लिया, बिना मंजन के भी चाय पी लिया, क्योंकि मैं घर से ब्रश लाना भूल गया था। तो अभी जाऊँगा बाहर, ब्रश लूँगा और मंजन भी लेना, मंजन है, ब्रश लूँगा, ब्रश करूँगा, फिर आके नहाऊँगा। और यहाँ पे कल रात को इतनी बारिश हुई कि अभी मौसम बहुत ठंडा है, तो रात को इतना मच्छर काट रहा था तो मच्छरदानी लगा के सोना पड़ता है। ये देखो तो सुबह की जर्नी स्टार्ट हो गई है। अभी जा रहे हैं आटा लेने और आटा लेके आएंगे पंडित जी को बुलाना है, क्योंकि आज कथा है। फिर कल बारात है तो ज़्यादा कल का समय भी नहीं मिला है, क्योंकि लॉकडाउन का समय ज़्यादा 7-8 बजे से लॉकडाउन के समय। तो यहाँ अभी जा रहे हैं टंकी से तेल डलवा लें। तेल निकल गए सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए और बस पहुँचने ही वाले हैं सब्जी। सो है गए, पहुँच चुके हैं, अब जा रहे हैं सब्जी लेने और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और सन्नाटा भी है। एक सौ तीस काटे। सो फाइनली सब्जी खरीद चुके हैं, अब जा रहे हैं घर और पूरी सब्जी हो गई है, अब बस बचा है सोयाबीन लेना। तो गाड़ी निकल, तो गाइस लास्ट बतासा बचा है, बतासा ले लें और बस बतासा हो गया, भाई गया है अंदर लेने बतासा, उसके बाद घर के लिए फिर नहाना है। हे गाइस, कमरे में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, मैं नहा नहीं पा रहा हूँ। पंडित जी 2 घंटे से लगातार पूजा कर रहे हैं और भाई को भी सुसु आई है, भाई सुसु रोके लेटे हुए हैं। अब मुझे नहाना है और पंडित जी बीच में ही आंगन में ही पूरा मतलब कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, 2 घंटे से लगातार कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं कब निकले, कब बीच से निकले, क्योंकि सब कोई बैठे हैं एकदम घेरे हुए हैं। तो मंजन भी नहीं किए, लेकिन सब कुछ मंजन नहीं किया, लेकिन खाया पिया एकदम टनाटन हो। तो अभी मंजन भी करना है, उल्टा करने जा रहा हूँ, पहले खा लिया फिर मंजन। तो मेरे भाई की भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी तबीयत ख़राब है, चेहरा देख एकदम उतरा है, वो एक्साइटमेंट नहीं है वीडियो में मेरे जैसी होनी चाहिए थी चिल्लाने वाली। और भाई एकदम ब्लीचिंग करवा के एकदम टनाटन है और मैं नहीं करवाया क्योंकि शादी लिखी है सहवाला बनेंगे बड़े आर्टिस्ट। देखते हैं कोई मिल जाए, कल देखते हैं कोई मिल जाए कोरोना के समय। तो अभी मैं इलाहाबाद जल्दी आऊँगा, मंडे उंडे गाऊँगा, क्योंकि शनिवार और शनिवार सट आधा हिंदी आधा इंग्लिश चलता है यहाँ पे सर। तो नहा के रेडी हो गया, अब जा रहा हूँ पूजा में। तो मैं पूजा में जा रहा हूँ, नहा लिया हूँ, सर्दी थी मेरा बुरा हाल। जय हर हर महादेव। मैंने फोन सबकी देखा,
सुबह का हिसाब लोगों के लिए आरती, आप लोग भी आरती ले लीजिए। आरती हो रही, फाइनली आरती सब कोई कर लिया, मैं भी कर लिया आरती। अब थोड़ा सा लेट जाऊँ क्योंकि अभी जस्ट नहा के एकदम रेडी हुआ हूँ और नाक एकदम छनझना रही, बता नहीं सकता। एक हफ्ते से एकदम नाक चढ़ी चढ़ी जैसे सर्दी होने पे होता वैसे एकदम हो रहा। और एक खिलाड़ी सो रहा है, पबजी खेल रहा है। ये देखो प्रसाद की तैयारी हो रही है, पब्लिक है ये पब्लिक है। ज्यादा न खाओ यार, ठंडा नुकसान करी तुम। खा खा रहे बताता खा ठीक बताते खाओ ज्यादा कुछ। अलार्म लगाई हो 3 बजे का? मैंने खांसी की वजह से चढ़ना मेरी को छोड़ दिया है क्योंकि गला जकड़ा हुआ है और छींक आ नहीं रही है, लेकिन नाक एकदम चढ़ा हुआ है। अभी जाना है दवा लेने। सोनू चलते अभी दवा लेने, फ्री हो? कहीं जाना तो नहीं है अभी यार? हाँ चलते यार दवा ले लेते हैं क्योंकि नाक एकदम बड़ा। चला जाए दवा ले लेते हैं। प्रसाद होते हो, दीदी किरण दीदी खड़ी हैं, किरण दीदी जाए दवा ले ले, किरण दीदी।